वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी हम जा रहे हैं बुराड़ी क्योंकि वहाँ पे है शिवाचन। तो पापा हमें आधे रास्ते तक छोड़ देंगे क्योंकि पापा के स्कूल में आज है फ्लैग होस्टिंग और इंडिपेंडेंस डे की सबको शुभकामनाएं। तो मैं भी पापा को दिखाती हूँ क्योंकि पापा बोले मुझे देखा ब्लॉग में, तो मैं पापा को दिखाती हूँ। पापा आज कुर्ता पहन के जा रहे हैं क्योंकि उनके स्कूल में जैसे कि मैंने आपको बताया फ्लैग होस्टिंग होगी और यहाँ पे पापा के प्रिंसिपल अंकल जा रहे हैं। पापा को बहुत देर हो रही है इसलिए पापा बहुत मतलब ठीक ठीक गाड़ी चला रहे हैं। और आज हर जगह पे फ्लैग लगे हुए हैं जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ। हर घर में आपको फ्लैग दिखेगा आज, हमारे यहाँ तो हर गली में लग गया है। और ध्रुव और तो सुबह सुबह ही शुरू हो गए पतंग उड़ाना, वहाँ पे गाने चला दिए उन्होंने, पतंग उड़ा रहे हैं। और यहाँ पे भजन पूरा पे मेट्रो बनेगी, अभी मेट्रो बनने का काम चल रहा है। नीचे बस चलेगी ऊपर मेट्रो, नीचे बस चलेगी यहाँ पे और ऊपर मेट्रो चलेगी। बहुत टाइम से बन रहा है ये, अब मे भी बन जाए। और आज का मौसम बहुत अच्छा है, जैसा कि पहले धूप हो जाती थी या फिर बारिश हो जाती थी, लेकिन आज हवा चल रही है पतंग उड़ाने लायक, बहुत बढ़िया मौसम है। हम बुबू के घर पहुंच गए थे और यहाँ पे भी पूजा की तैयारी शुरू हो चुकी है। मैं आपको दिखाती हूँ, बुबू और का मंदिर है लेकिन इस कमरे में पूजा नहीं होगी, दूसरे वाले कमरे में होगी। पंडित जी आ गए, अरुण भाई अभी आम के पत्ते लगा रहा सर, अभी उतारने की जरूरत नहीं, बाद में उतार लेना, कंप्लीट हो जाएगा। चलो ये हो गया, चलो ऊपर वो मिला कुछ तेल वाला तेल दे। पे मम्मी और चाची सारा खाना वाना बना रहे हैं, यहाँ पे अभी सिर्फ पूजा बना पूरियाँ बना दी है पूजा के लिए, अभी बनाई है, बाकी तो सबका अभी कुछ नहीं खाया है मेरे यशु और बुबू के अलावा। और यहाँ पे यशु बैठा हुआ है, क्या कर रहा है तू? बस टाइम और डेट सेट कर रहा है। पतंग उड़ाने नहीं जा रहा क्यों? पूजा पूजा की वजह से नहीं जा रहा। आती है देखो पतंग उड़ाने, नहीं आती? कोई नहीं, नहीं। और अभी बस खीर बनी है, बड़े बने हैं ये बड़े, हम भी बांध बूंद के आ जाए शाम के रखते। और यहाँ पे एक खीर, बाकी पूरियाँ बन रही है अभी। अब आपको भूख लग रही है? ओम श्री मंगलाधिपते नमः।
भूमो त्रिकोणम खटकोणम मंडलम लिखित्वा तदुपरि आदरम आदरम वायु पाते पवित्रम पवित्रो वैष्णव पवित्र प्रतिभावी चित्रण सुबिरश्मि ततो पवित्रे प्रजा कर्त कामं ते चार छंदो देहाय नमः ओम पासखणे नदसा वर्तमानो निवेदन नमतं जो उत्तर जीया भूपणान पत्नो वासराय नमो नमः गंधांति पुत्र नमः शास्त्र भूतो साधन को जाता हां सब ृषमृपात्रीन संकल्पं कुर्यादायं मितो 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 नमो ब्रह्मन्दे दीपं सुविश्वरात्मजादिगतेश्वरे बालगर्भे पवित्रमंत्रे अष्टविनुमे कर्मी करी प्रथम जने जगुजमी मन्ने मन्ने आर्या उन्तार्थे मणिप्रदेशे दिलीप्रदेशे कुमारकुण्डे दीपगौधारे नन्दन्तं मत्तरे दक्षिणायिनी वत्सलितु भाद्रमासे भाद्रमासे कृष्णमासे चतुर्थां सुपर्णिदौ दक्षिणाति त्रिदिवे मीनाति चंद्रमा मुंडाति भौम बुद्ध गुरु शुक्र रचना चौपड़े धाव चतुर्धाम चौपड़े धाव प्रभाति का मोह यजमान काशी गोत्र चौधरी उमेश सिंह ब्रह्मण हो ब्रह्मण हो भाव मगन करने विष्णुनाम देवा मंदिर में धीरे रंग त्रिपंग मर बैठे मैं ही मैं सम जदा आयो देवता भी मार जो नमो द्वार नित्य विष्णु शब्द जाते हैं जब इन्हें कहने के चक्रवात ने जो चिपचिपा ग्रुप जो ब्रह्मा बेद पार गा दीर गमाए तो ये बन गए हैं 108 शिवलिंग बीच में शिवलिंग है चारों तरफ छोटे छोटे शिवलिंग और बनाए हुए हैं अभी इसमें एक नंदी है अब तो घी निकलेगा नहीं आज तो एक कार्तिक क्या नंदी है ये देखिए पूरा शिव परिवार बन चुका है अब जो वहाँ से लिख के पूरे शिव परिवार बिठा चुके हैं नाना अभी तो साइड रहेगा तो यहाँ पे बुआ और मम्मी पूजा के लिए प्रसाद बना रही है और मैं बना रही हूँ रोट के लिए सामग्री खट्टी कर रही हूँ गुड़ चावल का आटा घी उनसे बनेगा रोट लो आटा चाची ले आई है आटा ऑनलाइन मंगा ये तो पीस लो वो काम बच्चा का उसको बिठाओ यहाँ लगा उसको मिली गई सुनो तो प्रजाल ले हा बनो प्रजाल ले हीरो मारो हाँ जो भी है वो ड्रेस एक निकाल के लगाओ आओ ब्रह्मा 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 ब्रह्मा
उधर को दोनों को बात करता हूँ मैंने उस दिन से जने को छोड़ दिया। तुमने अपनी मर्जी से थोड़ा रहने मेरे को पहनना नहीं पहनना वो आपकी मर्जी है। आगे बीच में डाल दो एक बेलम समर्पणम एक बेल पत्ती चढ़ा एक बेल पत्ती चढ़ा अखंड बेल पत्र पूज्य नंदी के नाम शातुंडम कृच्छा में एक बेलम समर्पणम चढ़ाय नमः चढ़ाय नमः नमः चढ़ाय नमः नमः वाय नमः नमः चलो बोलो नमः शिवाय आरती का दिन छोड़ चलो अभी हम जा रहे हैं जो इतना भी मतलब हमने मिट्टी के शिव जी बनाए थे इसको विसर्जित करने यमुना नदी में। तो पास में है यमुना नदी तो बस अभी जा रहे हैं मैं पापा पंडित जी और तरुण जी तो वहाँ जाके मैं आपको दिखाती हूँ। यमुना नदी गंदी हो रखी है मगर यहाँ पे पूरा गंदा कर रखा है यमुना नदी को। मौसम इतना अच्छा हो रहा है को करते हैं यहीं पे एंड। अगर आपको मेरे व्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय।